अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़ पीके में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये है Vivo X60 Pro, जिसे बुनियादी तौर पे एक कैमरा फोन की तरह बनाया गया है खासकर फोटोग्राफी के लिए। पाकिस्तान में इस फोन की रिटेल प्राइस 1,30,000 रुपए रखी गई है और कुछ दिनों पहले मैंने इसे चैनल पे अनबॉक्स भी किया था और उस वीडियो में मैंने आपको इस फोन के फीचर्स बताए थे, लेकिन कैमरा पे मैं बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर पाया था। मेरे हिसाब से इस फोन के कैमरा में इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत थी। फोन में एक बिल्ट इन गिम्बल है, एक्सट्रीम लो लाइट फोटोग्राफी के फीचर्स हैं, बहुत ही जबरदस्त पोर्ट्रेट इफेक्ट्स डाले गए हैं और इस फोन को वीवो और ज़ाइस की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, तो यहां सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और कलर साइंस भी बहुत लेवल का होने वाला है, क्योंकि ज़ाइस एक जर्मन कंपनी है जो कि ऑप्टिकल सिस्टम्स बनाती है और लेंसेज और कैमरास की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और टेक की ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो Vivo X60 Pro के बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का f1.48 एपिचर वाला गिम्बल स्टेबलाइज्ड मेन सेंसर है। इस वाइड एपिचर और गिम्बल स्टेबलाइजेशन पे हम आज तफसील से बात करेंगे। इस मेन कैमरा में सोनी IMX598 सेंसर लगा हुआ है, पिछली जनरेशन के X50 Pro में भी यही सेंसर था। ये एक अपर मिड रेंज का सेंसर है। फिर एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है 2x ऑप्टिकल जूम के लिए, जबकि आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। कैमरा रिव्यू को मैं डिवाइड करूंगा 3 हिस्सों में, कैमरा के फीचर्स, फोटोज की क्वालिटी और वीडियोस की क्वालिटी। अब इस X60 Pro का जो सबसे मेन फीचर है और इसका सबसे यूनिक और ज्यादा मार्केटेड फीचर भी, वो है इसके अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन 2.0। ये 2.0 इसलिए है क्योंकि इससे पहले X50 Pro में Vivo की पहली गिम्बल स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी हमने देखी थी और ये उसका अपडेटेड वर्जन है। लेकिन इस गिम्बल स्टेबलाइजेशन में ऐसी क्या खास बात है? अगर आपको नहीं पता तो गिम्बल एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके कैमरा को स्टेबलाइज करता है और यहाँ 3 एक्सिस पे स्टेबलाइजेशन होती है, रोल, पिच और यॉ। लेकिन इस X60 Pro में 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रोल, पिच और यॉ, और इसे आप कंबाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ सुपर स्टेडी वीडियोस के लिए। तो यहां मेन कैमरा पूरा फिजिकली फोन की बॉडी के अंदर रहते हुए 5 एक्सिस पे मूव करता है और एक गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह झटकों को स्टेबलाइज करता है। और इसके 2 ऐसे फायदे हैं जिनमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, स्टेबलाइज्ड 4K वीडियो और लो लाइट फोटोग्राफी। आप इस वीडियो सैंपल में देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन को ऑफ करके वीडियो कैसी आती है और गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो कैसी आती है। और याद रहे कि ये हम 4K वीडियो की बात कर रहे हैं। अमूमन फोन्स के अंदर 4K वीडियो के साथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती अनलेस आपके फोन में बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर डाला गया हो, लेकिन Vivo X60 Pro 4K के साथ भी जबरदस्त स्टेबलाइज वीडियोज ले रहा है। इस कैमरा का दूसरा बड़ा फीचर है इसके मेन कैमरा का f1.48 एपर्चर। आजकल ज्यादातर फोन्स में f1.8 एपर्चर होता है और मैंने आज तक जितने भी फोन्स कवर किए हैं उनमें ये f1.48 एपर्चर सबसे वाइड एपर्चर है। और इसके 2 बड़े फायदे हैं, ज्यादा नेचुरली ब्लर्ड बैकग्राउंड जिसकी वजह से इस कैमरा से ली गई इमेजेस में वो DSLR जैसी फील होती है, और दूसरा फायदा है लो लाइट परफॉर्मेंस, क्योंकि जाहिर है ज्यादा वाइड एपर्चर से सेंसर पे ज्यादा लाइट पड़ती है। लो लाइट परफॉर्मेंस Vivo X60 Pro का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है, Vivo इसे एक्सट्रीम नाइट विजन 2.0 कह रहे हैं, और ये बेसिकली इस f1.48 एपर्चर, गिम्बल स्टेबलाइजेशन और Vivo और Zeiss की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के कॉम्बिनेशन से आपको बहुत ही जबरदस्त लो लाइट परफॉर्मेंस देती है। बहुत कम लाइट में अमूमन फोन कैमरास लॉन्ग एक्सपोजर का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा लाइट लेने के लिए, और ऐसी इमेजेस लेते हुए आपने होल्ड कैमरा स्टिल या कीप कैमरा स्टिल का मैसेज देखा होगा। तो X60 Pro में तो एक बिल्ट इन गिम्बल है उसे स्टिल रखने के लिए, तो जाहिर है इमेजेस भी ज्यादा क्लियर होती हैं। ये कैमरा बहुत अंधेरे में भी बहुत सारी डिटेल्स और कलर्स पिक कर लेता है। मेरे ख्याल में X60 Pro की लो लाइट इमेजेस आजकल के किसी भी फ्लैगशिप फोन के कैमरा के साथ ना सिर्फ कम्पीट कर सकती हैं बल्कि कुछ फ्लैगशिप्स को बीट भी कर सकती हैं। फिर Vivo X60 Pro में और भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं, तो यहाँ वीडियो में 3 स्टेबलाइजेशन के ऑप्शंस हैं, नो स्टेबलाइजेशन, स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन जहां गिम्बल को एक्टिवेट किया जाता है, और सुपर एंटी शेक जो कि गिम्बल प्लस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आपको सुपर स्टेडी 1080p वीडियो देता है। फिर यहां आप एक स्टेबलाइजेशन के इंडिकेटर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं जो कि आपको दिखाता है कि आपका फोन कितना हिल रहा है, और गिम्बल एक स्प्लिट सेकंड के बाद रिएक्ट करती है। यहां आप गिम्बल की फंक्शनिंग क्लियरली महसूस कर सकते हैं। फिर इस फोन में फुल 48 मेगापिक्सल सेंसर रीडआउट का भी ऑप्शन मिलता है, और दूसरे कैमरा मोड्स भी दिए गए हैं जैसे कि स्लो मो वीडियो, पैनोरामा, प्रो मोड, सुपर मून और एस्ट्रो जिससे आप चांद और तारों की पिक्चर्स ले सकते हैं, और लॉन्ग एक्सपोजर जिससे आप बहुत ही स्टाइलाइज्ड किस्म की पिक्चर्स ले सकते हैं।
अब अगर इमेज सैंपल्स में जरा नजर दौड़ा लें तो X60 Pro की इमेजेस का कलर प्रोफाइल थोड़ा सा वार्म साइड पे है, यहाँ Vivo और Zeiss की कोलैबोरेशन का रिजल्ट आपके सामने है। इमेजेस में अच्छी डिटेल है, कलर्स भी मुझे काफी एक्यूरेट लगे और डायनामिक रेंज भी ठीक लगी। ओवरऑल इमेज क्वालिटी की बात करूं तो मुझे बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड लग रही है। अब एक टॉप क्वालिटी फोन कैमरा में जब आप मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो पे स्विच करते हैं तो सारे कैमरा के कलर प्रोफाइल्स मैच्ड होते हैं और यहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसी ही कहानी है। जब आप मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड पे स्विच करते हैं तो कलर मैचिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है, लेकिन जब आप टेलीफोटो पे स्विच करते हैं तो मैंने नोटिस किया कि ट्रिकी लाइटिंग सिचुएशंस में मुझे कभी कभार डिफरेंस महसूस हुआ कलर प्रोफाइल्स में, लेकिन ज्यादातर लाइटिंग सिचुएशंस में ये कैमरास बहुत अच्छी तरह मैच्ड हैं। इन तीनों कैमरास में स्विच करते हुए मुझे रेजोल्यूशन में भी कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा वाइड कैमरा की भी डायनामिक रेंज और कलर्स बहुत अच्छे हैं। यही चीज आपको टेलीफोटो कैमरा के साथ भी दिखेगी, जहाँ कलर्स और डायनामिक रेंज ऑन पॉइंट है। अब इस फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा ही एक मैक्रो कैमरा की तरह भी काम करता है, लेकिन अमूमन फोन्स में 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरास होते हैं, तो यहाँ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मैक्रो कैमरा बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड इमेजेस लेता है। बात करें पोर्ट्रेट इफेक्ट्स की तो यहाँ भी आपको ज़ाइस के सुपीरियर एल्गोरिथम्स का फायदा महसूस होगा। इस कैमरा की पोर्ट्रेट इमेजेस का लेवल है, मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी अच्छी तरह डिटेक्ट करता है। इस फोन की पोर्ट्रेट इमेजेस मेरे हिसाब से अब तक के फोन कैमरास जो मैंने देखे हैं उनमें बेहतरीन क्वालिटी की हैं। अब अगर बात करें सेल्फीज की तो यहाँ एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, लेकिन यहाँ कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है जैसे बैक कैमरा में डाले गए हैं, लेकिन फिर भी ये कैमरा अच्छी इमेजेस लेता है, गुड स्किन टोन्स, गुड कलर्स, डिसेंट डायनामिक रेंज। तो फोटोग्राफी में तो मुझे Vivo X60 Pro बहुत ही पसंद आया है। मेरे हिसाब से ये इस वक्त के किसी भी फ्लैगशिप फोन से कम्पीट कर सकता है। इसकी इमेजेस बहुत ही प्लीजिंग हैं और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ के बात करें वीडियोस की तो इसमें कोई शक नहीं कि Vivo X60 Pro बहुत ही अच्छी वीडियोस लेता है, खासकर गिम्बल स्टेबलाइज्ड 4K वीडियो। लेकिन जहां कंपैरिजन हो इस वक्त के एक लीडिंग फ्लैगशिप फोन से, साइड बाय साइड फर्क वाजे है, जिसकी एक बुनियादी वजह है इस फोन का 48 मेगापिक्सल का सेंसर, और ये कैमरा 4K वीडियो में कभी कभार फोकस में भी थोड़ा स्ट्रगल करता है। तो वहां मुझे अब भी उस फ्लैगशिप फोन की वीडियो ज्यादा पसंद आई। लेकिन अगर बात करें सिर्फ स्टेबलाइजेशन की तो मेरे हिसाब से X60 Pro की गिम्बल स्टेबलाइजेशन इस वक्त सबसे बेस्ट है मार्केट में, आपको इससे बेहतर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी। और उन फ्लैगशिप फोन्स की प्राइस भी इस फोन से 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में Vivo X60 Pro इस वक्त 1,30,000 रुपए पे डेफिनेटली फोटोग्राफी किंग है। मैंने इस फोन के फीचर्स को और इसकी फोटोग्राफी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। तो अगर आप एक कैमरा एंथुजियास्ट हैं तो मेरी आपसे तजवीज होगी कि आप Vivo X60 Pro को जरूर कंसिडर करें, इसकी कैमरा गेम बहुत ही लेवल की है। आपको Vivo X60 Pro का कैमरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक देना ना भूलेगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।